हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत से प्लांट के बारे में। आज उसी प्लांट के बारे में मैं आपको कोई टिप्स जानकारी दूंगी। तो जो ये प्लांट देख रहे हैं ये है सीजियम का प्लांट और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी खूबसूरती इसकी पत्तियों से ही होती है। तो आज इसी प्लांट को लेकर हम आपसे कुछ इसके टिप्स वगैरह शेयर करेंगे, कैसे इसको फर्टिलाइज करते हैं, कैसे इसको प्रोपगेट करते हैं। तो वीडियो में आप बने रहें। और सबसे पहले आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है मिनी गार्डनिंग में। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि गार्डनिंग से हर रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बात करते हैं हम अपने ब्यूटीफुल से प्लांट यानी कि सीजियम के बारे में। और ये जो प्लांट है देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये पूरी तरह से आउटडोर प्लांट है, ये नहीं कि ये इंडोर प्लांट है। इस प्लांट को आउटडोर ही रखना होता है और इस प्लांट की मतलब बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी है जो कि ड्वार्फ वैरायटी है जो देख रहे हैं। और बहुत ही सुंदर मतलब इसकी खूबसूरती इसके पत्तों में ही होती है जैसे कि आप देख रहे हैं। और तो इसी प्लांट की मैं बात करूँगी और इस प्लांट की हाइट होती है 5 से 6 फीट की ज़्यादा। और ये ज़्यादा पेड़ के जैसा नहीं होता, मतलब एक छोटा सा पेड़ मतलब वृक्ष भूसी सा लगता है दिखने में और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये मतलब पूरी तरह से क्या बोलते हैं आउटडोर प्लांट है तो आप इसे घर में नहीं रख सकते, मतलब बालकनी में रख सकते हैं या घर के बाहर, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस प्लांट को रिलेकर मैं कुछ बातें आपको शेयर करना चाहती हूँ जो शायद आप लोगों को पसंद आएगी। तो बात करते हैं इस प्लांट की कैसे प्रोपोगेट करते हैं। तो जो ये इसकी न्यू लीव्स आती है ना वहीं से इसकी मतलब छोटी सी कटिंग लेकर, ये नहीं कि इसकी हार्डी कटिंग लेकर आप इसको प्रोपोगेट करेंगे। आप इसकी जो न्यू जहाँ से ग्रोथ हो रही है उसी कटिंग को, जैसे ये कटिंग को आप लेके उसके बाद इसमें रूट हार्मोन्स लगा के इसको रिपोर्ट कर देंगे। और इसमें मतलब 20 से 25 दिन में रूट्स आएंगे, लेकिन ये पौधा पूरी मतलब 3 महीने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, एक प्लांट का रूप ले लेगा छोटा सा। और फिर आप इसे मतलब किसी भी प्लांटर या किसी भी पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं और इसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और इसे आप सेब भी दे सकते हैं जो कि एक छोटे से वृक्ष के जैसे लगता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी खास बात है कि इसकी जब पत्तियाँ स्टार्टिंग में जो न्यू पत्तियाँ आती हैं वो देखिए जैसे रेड ब्राउन इस तरह की होती हैं, लाल कलर के कुछ जैसे कि दिखा रही हूँ मैं आपको। ये पूरा देखिए एक छोटा सा पॉट में मतलब 4 से 5 इंच के पॉट में मैंने लगा रखा है और देख सकते हैं इस तरीके से इसकी जो पत्तियाँ होती हैं जो न्यू पत्तियाँ होती हैं क्या बोलते हैं वो रेड होती है जो कि देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत। और इसकी पत्तियों को आप ऐसे मसलेंगे तो ये दालचीनी की इससे खुशबू आती है, इसे मतलब जंगली दालचीनी भी कहा जाता है। और तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एक छोटे से पॉट में इसे लगा रखा है, आप इसे किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, मतलब जैसा पॉट में देंगे उस तरीके से इसका मतलब थोड़ा ग्रोथ तेज़ी, बड़े पॉट में लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा होगा और बुशी सा लगेगा, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और बात करेंगे इस प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें बोन मील कंपोस्ट कार्डंग और सभी को मिलाकर मैं मिक्स करके इस प्लांट को मैं देती हूँ, मतलब ये सारा मिक्सचर बना के मैं महीने में एक बार देती हूँ। और आप हर 15 दिन पे वर्मी कंपोस्ट इसके जड़ के पास दे सकते हैं गुड़ाई करके, वो ज़्यादा बेटर रहता। और इसकी पत्तियों को हमेशा पिंचिंग करना चाहिए ताकि आपका पौधा बुशी होगा। तो जैसे मैं पिंचिंग कर रही देख सकते हैं, जितना पिंचिंग करेंगे इतना ही पौधा बुशी और घना होगा और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे मतलब कहीं भी मतलब अपने बालकनी या गार्डन टेरेस गार्डन ज़मीन में लगा सकते हैं और बहुत ही मतलब खूबसूरत प्लांट है ये। और ये परमानेंट प्लांट है, एक बार आप इसे अपने गार्डन में लगा लो ये हमेशा के लिए आपके गार्डन में रहेगा। और ये जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये है ड्वार्फ वेराइटी और देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत प्लांट है, मतलब जितनी खूबसूरत इसकी पत्तियाँ उतनी खूबसूरत ये प्लांट है। और इसके पत्ते मतलब बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में मतलब इसके जो नए लीव्स आएंगे वो होंगे रेड ब्राउनिश जैसे लाल कलर के हो जाएंगे और धीरे धीरे फिर से ये ग्रीन हो जाएंगे जैसे कि देख रहे हैं। और बात करेंगे इस प्लांट की वाटरिंग की, तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा ओवर वाटर नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे धूप में आप जितना धूप में रखते हैं उतनी मतलब इसको पानी की ज़रूरत होती है। अगर मतलब 4 से 5 घंटे की धूप में रखते हैं तो उस हिसाब से आप पानी देंगे, और अगर आप पूरी तरह से धूप में रखते हैं तो आप इसे सुबह शाम पानी दे सकते हैं। और इससे बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है ये प्लांट जैसे कि देख रहे हैं। और इसमें क्या बोलते हैं फंगस वगैरह का अटैक नहीं होता, अगर किसी जैसे प्लांट के साथ रखते हैं अगर उसमें है तो उसके थ्रू हो जाता है, बट इसमें कभी मतलब किसी का अटैक नहीं होता फंगस वगैरह का।
बहुत ही मतलब हार्डी प्लांट है और दिखने में भी खूबसूरत लगता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।